चलो जी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स पहले हम नॉन इंटीग्रेटेड करेंगे फिर इंटीग्रेटेड। 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे हार्डली इंटीग्रेटेड को ख़त्म करने के लिए। बस एक बार नॉन इंटीग्रेटेड हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, नॉन इंटीग्रेटेड के लॉजिक हम कर चुके, ये दो लॉजिक और करने हैं। ठीक है जी, एज ऑन 31 मार्च द फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, इसका मतलब रॉ मेटेरियल का ओपनिंग स्टोर, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का वर्क इन प्रोग्रेस का कौन सा है क्लोजिंग बैलेंस, फिनिश गुड्स स्टॉक लेजर का ओपनिंग बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट कैसा बैलेंस है, ओवरहेड्स का बैलेंस है, इसका मतलब पिछले साल आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन जो करी होगी वो एक्चुअल फिगर से थोड़ी डिफरेंट करी होगी, तभी उसका एक बैलेंस बच रहा है। अच्छा, कौन सा बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब आपने एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करी थी, क्योंकि अगर एब्जॉर्प्शन कम करते तो कौन सा बैलेंस बचता, डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये खुद में एक कॉस्ट है, इसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए था, इसका मतलब आपने पिछले साल एब्जॉर्प्शन क्या कर ली थी, ज़्यादा। ठीक है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट तो खैर एक बैलेंसिंग फिगर होती है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है जी, तो सबसे पहले जब भी आप स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिर वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, फिर लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन अगर है तो, वरना फिनिश गुड्स लेजर, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और फिर चल भाई, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 301,000 लिख तो दोगे आप बैलेंस बीडी, वर्क इन प्रोग्रेस का 122,365, फिनिश गुड्स का 251,945, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट सॉरी वेजिस में लिख दिया मैंने, वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस है 122,365 और फिनिश गुड्स का है 251,900। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का कितना है 10,525। अब पहली एंट्री देख, फिनिश गुड्स एट कॉस्ट, फिनिश गुड्स इसका मतलब इतने रुपए का माल क्या हो गया फिनिश्ड, कहाँ से कहाँ जाएगी एंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो क्या हो जाएगा कम, फिनिश गुड्स क्या कर जाएगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्या होगा क्रेडिट, और फिनिश गुड्स अकाउंट कर दे एंट्री, तो वर्क इन प्रोग्रेस को कर दे क्रेडिट, किस अकाउंट में एंट्री जा रही है, कितने रुपए हैं 210,000, फिनिश गुड्स अकाउंट बढ़ रहा है तो डेबिट, कहाँ से आई एंट्री 210,800। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपने इंकर्ड किए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर, अब इसमें देखना पड़ेगा कौन सा लेजर है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स,
तो टू कॉस्ट लेजर दैट इज 91,000 रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो एंट्री किस लेजर में होगी, बढ़ेगा घटेगा, किस साइड? तो टू कॉस्ट लेजर 1,23,000, फैक्ट्री वेजेस इनडायरेक्ट लेबर। अब फैक्ट्री वेजेस का मतलब है कौन से वेजेस, और इनडायरेक्ट लेबर तो इनडायरेक्ट वेजेस। तो सबसे पहले ये दोनों की दोनों फिगर्स लेट हम किस में लिखते हैं, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में, और फिर वेजेस कंट्रोल अकाउंट से कहां ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्ट वेजेस कहां ट्रांसफर होगा, और इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड कहां ट्रांसफर होगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो पहले हम ये दोनों की दोनों फिगर्स किस में ट्रांसफर करेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में। तो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर, तो 50,000, अरे यार ये रहा वेजेस, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कॉस्ट लेजर 50,530 और फिर 21,000 21,665, ठीक है जी। हाथों हाथ एंट्री कर, 50,530 डायरेक्ट वेजेस है, कहां जाएगा, WIP, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम, किस लेजर में ट्रांसफर हो रहा है, और ये कहां जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, दैट इज 50,521,600, वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ा दे, कहां से एंट्री आई, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, कितने रुपए की, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बढ़ा दे, कहां से एंट्री आई, वेजेस कंट्रोल अकाउंट 21,665, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी करते हैं इसको बाद में, जरा मटेरियल्स इशूड टू किसने किसको दिया, स्टोर्स ने फैक्ट्री को, जिसे तुम बोलते हो डायरेक्ट मटेरियल, तो स्टोर्स क्या हो जाएगा, कम, किसकी कॉस्ट बढ़ेगी, वर्क इन प्रोग्रेस 1,27,315, तो स्टोर्स कम हो जाएगा, एंट्री कहां जाएगी, 1,27,000 और वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ा दे, एंट्री कहां से आ रही है, 1,27,315। इसको भी अभी हम करेंगे। मटेरियल रिटर्न टू, तो स्टोर्स ने किसको दे दिया, सप्लायर्स को, स्टोर्स ने किसको दे दिया, स्टोर्स क्या हो गया, तो स्टोर्स में किस साइड, क्रेडिट साइड, कितना भाई 2,900, किस में आएगी एंट्री, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स चार्ज टू, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अकाउंट से कहां जाएगी एंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस में 77,200, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डेबिट साइड पे 77,000 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या हो जाएगा, कम, तो क्रेडिट साइड WIP 77,200। अभी दो एंट्री और करनी है, यहां तक कुछ पूछना है पूछ लो, ठीक है जी। क्या करना था, राइट अप द अकाउंट, सबसे जनरल एंट्री करते हैं, पहली एंट्री किसकी है, फिनिश प्रोडक्ट, एंट्री कहां से कहां जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस से, एंट्री क्या होगी, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू,
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इंकर्ड, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। रॉ मटेरियल परचेज कौन सा अकाउंट बढ़ेगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर क्या है? फैक्ट्री वेजेस का मतलब कौन से वेजेस? इसको ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप लेके जाओ इसे वेजेस में, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर, और फिर वेजेस कंट्रोल अकाउंट से कहां जाएगी ये चीज? तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट टू वेजेस, या आप डायरेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस में भी लिख सकते हो। तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर, क्योंकि आपको डायरेक्टली पता है कि ये फैक्ट्री वेजेस है, मतलब डायरेक्ट वेजेस है। दोनों तरीके सही माने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक सही एक गलत है। बुक वाले अंकल ने देखते हैं क्या करा है। दो करें ठीक है जी। पहले अंकल एंट्री कहां लेके गए, फिर कहां लेके गए? अच्छा, फिर ये भी है, इसके भी कितने ट्रीटमेंट हो गए? फिर दो, पहले वेजेस में जाएगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, और या फिर आप डायरेक्ट किस में लेके जा सकते हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इसका मतलब पहले जैसे हमने करा है, पहले अंकल ने ये दोनों फिगर्स किस अकाउंट में लिखी हैं? वेजेस कंट्रोल में। फिर उसमें से 50,530 तो किस में भेज दिए? WIP। और 21,665 किस में भेज दिए? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो नाम बुक में लिखा है वही नाम से आपको एंट्री करनी कंपलसरी। तो सबसे पहले तो दोनों को ऐड कर लो, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? 72,190। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर इसमें से 50,530 तो कहां भेजोगे? तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और 21,665 कहां भेजोगे? तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो गुड्स आपने बेचे उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,85,000। तो जो गुड्स आपने बेचे उसकी कॉस्ट है इतनी, ठीक है। तो फिनिश गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा? कम। और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फिनिश गुड्स अकाउंट तो किस साइड? क्रेडिट साइड। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट साइड। तो फिनिश गुड्स को कम करना है क्रेडिट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाना है मटेरियल इशूड टू, दैट इज किसने किसको दिया? स्टोर्स ने प्रोडक्शन को दिया, और प्रोडक्शन को मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो रॉ मटेरियल मतलब स्टोर्स क्या हो जाएगा? कम। और किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? तो एंट्री क्या होगी? तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी। चलो अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स करो, 1,85,890। तो फिनिश गुड्स लेजर क्या हो गया? कम। कॉस्ट ऑफ 1,00,000 फिनिश गुड्स, ठीक है जी। सेल्स रिटर्न एड, इसका मतलब ये जो आपने अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स की, इसमें से थोड़ा सा सामान क्या हो गया?
क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या करना पड़ेगा? कम। और फिनिश गुड्स क्या करना पड़ेगा? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और फिनिश गुड्स? ठीक है जी, पांच हजार तीन सौ अस्सी। ओके, मटेरियल रिटर्न टू, ये हम कर चुके। स्टोर्स क्या हो जाएगा? कम। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, ये भी हम कर चुके। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से फिगर निकल के किस में चली जाएगी? WIP में। इसका मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं है। अब स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्या आ जाएगी? एक बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस। वेजेस कंट्रोल अकाउंट तो पूरा का पूरा क्या हो गया? टैली हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स देखेंगे हम, टैली हो गया या इसका कोई बैलेंस बच रहा है। फिर WIP की भी एक क्या आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि फिनिश गुड्स अकाउंट में जो गया है वो तो जा ही चुका है, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कि कितने रुपए का वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस बच रहा है। फिनिश गुड्स अकाउंट की भी क्या आ जाएगी? एक बैलेंसिंग फिगर। और कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी? कॉस्टिंग पे। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ओके है, ओके। निकाल स्टोर से जगह कितना बैलेंस आ रहा है, तो 4,24,435 में से ही माइनस कर दे, बहुत कम माइनस हो रहा है। यही आ रहा है? खेल लोगे अब? ये तो बनी जाएगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज पोस्ट हो जाएंगी। और फिर ट्रायल बैलेंस बना लोगे? ओके। इलस्ट्रेशन नंबर टू, एक्मे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ओपन्स हैं विद द बैलेंसेस एज ऑन इतना, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का कितना है? 12। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट कितना है? कौन सा बैलेंस है? इसका मतलब पिछले साल अंडर एब्जॉर्प्शन। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का कैसा बैलेंस है? क्रेडिट। इसका मतलब पिछले साल ओवर एब्जॉर्प्शन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का भी कैसा बैलेंस है? इसका मतलब पिछले साल। फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, मेकअप द वेरियस अकाउंट्स एज यू एनवीसीएच इन द कॉस्ट लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन। चलो अब तुम बताओगे कौन सा लेजर डेबिट? तो ऑब्वियसली बात है, ये सारे तो रेस्पेक्टिव लेजर्स में किस साइड आएंगे? डेबिट साइड। और ये तो ओपनिंग बैलेंस में, तो चलो कोई दिक्कत है नहीं। रॉ मटेरियल क्या करा है? अगर रॉ मटेरियल परचेज करा है तो किस अकाउंट में एंट्री आएगी? और कॉस्ट लेजर में, एक तो स्टोर्स लेजर में और एक स्टोर्स बढ़ गया घट गया, तो स्टोर्स लेजर अकाउंट, तो कॉस्ट लेजर। अच्छा लिख ले तो मैं भूल जाता हूँ ना, तो स्टोर्स लेजर क्या होगा? कॉस्ट लेजर क्या होगा? अच्छा दूसरा देख, मटेरियल इशूड टू, तो कहाँ से कहाँ गया? आपके पास ऐप है? नहीं है? तो आप तो चले गए थे पिछली क्लास में, तो आपने वीडियो नहीं देखी?
आपने एलिस मैम को क्यों नहीं बोला कि मुझे कल वाली वीडियो दो? ओके तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐप होनी चाहिए, ठीक है जी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, ताकि आप जिस दिन भी छुट्टी करोगे उस दिन की आप क्लास देखोगे, और बाय चांस अगर मैंने अपलोड ही नहीं करी है, उसको लाइव करा ही नहीं है, तो तुम अलग से मांगोगे, ठीक है जी। हम तुम्हें इतनी मांगने की आदत डाल देंगे, फिर तुम सैलरी और कम से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारी आदत हम बड़ी कर देंगे, ठीक है जी। ओके चलो, हैं लेट ऑफ हो जाओ, कहना नहीं मान रहा, ढीठ है। मैंने कोशिश करी कि नहीं करी? मैंने कोशिश करी, मैंने कोशिश करी, ठीक है जी। कोशिश सफल नहीं हुई, ठीक है जी। ओके ठीक है जी, ओके हैं ठीक है जी। ओके चलो जी, 477,400 मटेरियल इशू टू जॉब्स, तो इसका मतलब कहां से कहां गया है? स्टोर से प्रोडक्शन। तो स्टोर्स क्या हो गया? कम। क्या बढ़ गया? WIP। WIP क्या होगा? स्टोर्स क्या होगा? पहले हम ये दो एंट्री चेक करेंगे। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, सबसे पहले हमने क्या करा है? परचेज। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट, डेबिट हो गया। फिर हमने इशू टू प्रोडक्शन करा, तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा? कम। तो एंट्री कहाँ जाएगी? क्रेडिट। और वर्क इन प्रोग्रेस क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा? डेबिट, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया। खेला हो बे, खेला हो बे। मटेरियल्स टू वर्क्स मेंटेनेंस, वर्क्स मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री मेंटेनेंस मतलब इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो आपने मटेरियल कंज्यूम करे फैक्ट्री ओवरहेड्स के रूप में, किसके रूप में? भाई वो फैन बंद कर दियो, एक खिलाड़ी कम हो जाएगा हमारा, मानना, ठीक है जी। ओके ठीक है मैम, ओके ओके हो ठीक है, हाँ कुल्फी जम जाएगी मानना। मटेरियल टू वर्क्स मेंटेनेंस, तो रॉ मटेरियल क्या हो गया? कम। क्या बढ़ गया? स्टोर्स क्या होगा? अबे क्रेडिट होगा। कम कितनी बार कम करोगे? हो गया कम, अब तो क्रेडिट होगा। सही बात, गलत बात? सही बात, ठीक है। और डेबिट क्या होगा? फिगर देख, फिगर कितने की है? 41,000। देखिए स्टोर्स क्या हुआ? क्रेडिट। अब देख प्रोडक्शन ओवरहेड कहाँ है? ये रहा, कहाँ गया? ये रहा, ठीक है जी। मटेरियल्स टू कौन, क्या है ये? स्टोर्स क्या हो गया? मतलब क्रेडिट। कहाँ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बढ़ गया, घट गया? तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या होगा? अरे तो गेम की तरह खेलते रहो जितना खेलना है, ठीक है जी। हवा बना रखा है सीए का, ठीक है जी। ओके सीए के पेपर भी देने हैं, मैंने पहले ही कहा था, इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा कि तू सीए के पेपर देगा, ठीक है जी। ओके मटेरियल टू, सारे दे दे भाई सी क्वेश्चन में, ठीक है। फिर से मटेरियल क्या हो गया? कम, मतलब क्रेडिट हो गया। अब क्या बनेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट। फिगर देख लो कितने की है, 3,400 और 7,200, 3,400 और 3,400 जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, और 7,200 जाएगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। देख एक छोटी सी चीज़ देख, पहले किसका अकाउंट बना, फिर किसका बना? क्योंकि दोनों कहाँ जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। लाइन वाइज बनाना, ठीक है जी, लाइन वाइज बनाना।
अरे चीकू चैप्टर है एकदम, पेपर में क्वेश्चन जनरली जरूर आता है इसका। ठीक है जी, ओके ओके। कौन से वेजीज हैं ये, कौन से हैं, कितने तरीके हैं ट्रीट करने के हैं? या तो पहले इन दोनों को कहाँ भेज दो और फिर वेजिस से। अब सीख गए तुम लोग। ठीक है, ऐड कर दे 300, 9 5 14 का 4, 1 6 5 11, 2,14,300। तो अगर हम पहले इसको कहाँ भेजें, वेजिस में, तो वेजिस कंट्रोल अकाउंट क्या होगा? किस नाम से, किस नाम से? अरे चची जान, किस नाम से होगा? डंडल नहीं, लड़की रहने दे। ठीक है जी। अबे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी। और फिर ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट से कहाँ जाएगा? WIP। और ये कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। चल वेजेस कंट्रोल अकाउंट देख कहाँ है। वेजेस टू कॉस्ट लेजर, फिर जो डायरेक्ट वाला था वो कहाँ जाएगा और वो कहाँ जाएगा? तो वेजेस कंट्रोल, वो सॉरी WIP क्या हो जाएगा? डेबिट। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या हो जाएगा? डेबिट। कहाँ से आ रही है एंट्री? तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने रुपए से? 65,000 से। और WIP भी डेबिट होगा 1,49,339। हिंदुस्तान है ये, अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ दो। ठीक है जी, ओके। इन्होंने एक गलती करी है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को वर्किंग प्रोग्रेस से ऊपर बनाया है। ये गलत किया है इन्होंने, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद बनना चाहिए। इनके अंकल के खुद के नंबर कट जाएंगे। ठीक है जी, ओके। फिर आएगा ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल। कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल है कि डायरेक्ट मटेरियल है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कहाँ जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। कितने रुपए हैं? तो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 8,400। फिर आएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो ये तो आपने इनकर करा, या तो पे कर दिया या आउटस्टैंडिंग है ना, में पेमेंट से मतलब है ना, आउटस्टैंडिंग समय तो इनकर करने से मतलब है। प्रोडक्शन ओवरहेड बढ़ गया घट गया? तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट टू कितने रुपए हैं भाई? 2,42,250। अबे हट यहां से। ठीक है जी, एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो जब आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करते हो तो प्रोडक्शन ओवरहेड से वो फिगर कहाँ जाती है? फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किस अकाउंट में होते हैं? WIP में। WIP में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब किस में होते हैं? तो ये कौन से ओवरहेड्स हैं? तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किस अकाउंट में होंगे? तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा? डेबिट। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होगा? 3,59,100। तो प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया क्रेडिट, और WIP देख कहाँ गया भाई, डेबिट। एक तो डेबिट क्रेडिट इसका चाचा लिखेगा, चलो मैंने लिख दिया। ठीक है जी, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इंकर्ड है कि एब्जॉर्ब्ड है? तो अभी तो ड्यू होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या कर गया? बढ़ गया। ओवरहेड बढ़ गया तो किस नाम से? कॉस्ट लेजर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एलोकेटेड टू, अच्छा इसलिए। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड टू, तो मैंने कहा था ना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितनी जगह जाता है? दो जगह। ठीक है जी, मैंने जो बोला वो मानना पड़ेगा, या तो आज मानोगे या कल। तो सबसे पहले तो इंकर करो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कितने रुपए हैं? 74,000। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या कर गया? तो क्या होगा? किस नाम से? शाबाश। कितने रुपए है?
74. अब एलोकेट कर कितने रुपए किस रेट है. तो मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का थोड़ा सा हिस्सा कहाँ जाता है, थोड़ा सा हिस्सा कहाँ जाता है. जी नहीं, मैंने कहा था फिनिश गुड्स में जाता है और कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है. मैंने ये कहा था, मैंने कहा वर्किंग प्रोग्रेस में जाता है. मैंने वर्किंग प्रोग्रेस के लिए सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स बताया था. ठीक है जी. तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो कहाँ जाएगा, सेल्स से रिलेटेड है तो दोनों अमाउंट से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. फिनिश गुड्स अकाउंट कितने से बढ़ेगा, 52,900. और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट कितने से बढ़ेगा, और ये दोनों की दोनों फिगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में किस साइड आएंगी, क्रेडिट साइड. हू लाला. ठीक है जी. ओके जी. फिनिश गुड्स अकाउंट और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट. ठीक है जी. वो डेबिट हो जाएंगे. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड है, एब्जॉर्ब्ड है. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बढ़ गया घट गया, क्या करेंगे, किस नाम से करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. ठीक है जी. ठीक है जी. ओके. फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, आपको भी आता है ना, अब आया नहीं आया है ना, शाबाश, खुश हो. ठीक है जी. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट से निकल के कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा, ये क्या होगा. अब ठीक है, फिनिश गुड्स इसका क्या तात्पर्य है, वर्क इन प्रोग्रेस से कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स अकाउंट में. तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, कम. फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स क्या होगा, वर्किंग प्रोग्रेस. फिगर देख कितने की है, 958,400 वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, फिनिश गुड्स डेबिट. फिनिश गुड्स कहां से कहा जाएगा, कर दोगे फिर क्या आ गई, सेल्स. सेल्स की एंट्री कर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स. फिर सेल्स कहाँ जाएगी, अब ये जो तुमने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रिएट करा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी, कॉस्टिंग पीएनएल में. कहाँ जाएगी, कॉस्टिंग पीएनएल में. ठीक है जी. अब सारे अकाउंट्स क्लोज कर लोगे, सारे अकाउंट्स क्लोज कर लोगे. ठीक है जी. ओके समझो, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में जितनी चीज गई वो गिवन थी कि निकालनी थी, गिवन थी. तो वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा. कभी कभी वो क्या करेगा, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस दे देगा. तो बैलेंसिंग फिगर होगी जितने रुपए की फिगर वर्क इन प्रोग्रेस से कहाँ जाएगी, फिनिश गुड्स में. इसलिए मैंने कहा नंबर वाइज बनाना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं आपके कन्फ्यूज हो सकते हैं. ठीक है जी. ओके, कोई दिक्कत नहीं. हिंदुस्तान एक अजीब देश है, यहाँ पे ऊपर की कमाई को कहते हैं टेबल के नीचे की कमाई. ठीक है. ओके जी, चलो. खैर, फुटबॉल के, फुटबॉल एंड फुटबॉल, फुटबॉल में जब फुटबॉल नेट के अंदर जाती है तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जबकि नेट रेक्टेंगुलर होता है उसको रेक्टेंगल बोलना चाहिए. गोल, गोल का है बोल. सही बात, गलत बात, इलॉजिकल चीज है, दैट्स वेरी इलॉजिकल. ठीक है जी. ओके, उसका नाम होना चाहिए था रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल हो गया. चलो खैर, क्या कर सकते हैं. ठीक है जी. ओके ओके ओके. फ्रिज जो चलता है, फ्रिज जो चलता है, फ्रिज के पीछे वो क्या चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, जिसके से चलते हुए आवाज आती है. अबे, उसको बोलते हैं कंप्रेसर. क्या बोलते हैं, साला जिस चीज में सबसे ज्यादा प्रेशर है उसे बोलते हैं कंप्रेसर. ज्यादा प्रेशर नहीं बोल सकते,
फिर कहते बच्चों से कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, कैसे पढ़ेगा, हराम करो ने उल्टे नाम लिख रखे, सही नाम नहीं रख सकते थे, लॉजिकल नाम, बच्चे को याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसका नाम होना चाहिए था ज़्यादा प्रेशर, उसका नाम रख रखा है कम प्रेशर, और जिसकी वजह से फ्रिज चल रहा है उसका नाम कम प्रेशर, वाह भाई वाह, ठीक है जी। ये दिक्कत होती है पढ़ने में, इसीलिए मैंने इंग्लिश पढ़ाता ही नहीं हूँ, इलॉजिकल सब्जेक्ट है, ठीक है जी, ओके चलो खैर, हिंदी लॉजिकल है, ठीक है जी, ओके। कमाई जितनी भी आई कमाई, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कमाई, ठीक है जी, जितनी भी आई दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, अब सही है, ये लॉजिकल है, ठीक है जी। खेलोगे अब, खेलोगे, अरे चीकू चैप्टर इसकी, ओए होए कहाँ पे क्या आ गया ये, इंटीग्रेटेड, फिर ये निकालेगा रिकंसिलेशन, तीन चार पाँच आठ हैं, आठ कितने क्वेश्चन है टेस्ट नॉलेज में, चौथा क्वेश्चन, अच्छा है इसका, बाकी सब तो यूं ही है चीकू से। चलो जी, एक हमको करना है, एक तो इंटीग्रेटेड और एक हमको करना है रिकंसिलेशन, तो पहले लॉजिक सीखना पड़ेगा उसका, अभी सीखते हैं 10 मिनट में, पहले हम लेते हैं एक ब्रेक।